हमारा कल के फंक्शन का मकसद यह है कि हमारी जो दलहन की फसलें बांधा की बहुत अच्छी हैं, स्वादिष्ट हैं, वर्मी कंपोस्ट से वर्मी हैं, ऑर्गेनिक हैं, उनका ब्रांडिंग हो, उनका प्रचार प्रसार हो, उनकी मांग बढ़े, और जब मांग बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगा हमारे किसानों को, और 2022 तक का जो डबल इनकम करने का इरादा है किसानों का, उसमें सहायता मिलेगा। अगर हम कहें प्लास्टिक बंद करो, प्लास्टिक का जो सिंगल यूज प्लास्टिक है बंद करो, तो अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना है तो वो जहाँ प्लास्टिक यूज हो रहा है उसका अल्टरनेटिव देना होगा, तभी बंद होगा। तो हमने झोला बंटवाया, बड़े बड़े लोगों से झोला लिया और गरीबों में झोला बांटा, जिससे कि जहाँ प्लास्टिक सामान चोरी करने में प्रयोग हो रहा है वो झोला वहाँ प्रयोग हो, पुराने ज़माने में ही होता, तो झोला युक्त बांधा, प्लास्टिक मुक्त बांधा का नारा दिया, झोला अल्टरनेटिव। अब जहाँ हम खाने में प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के सामान, मग्गा, दोना पत्तल जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, उनको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। हम उनके यहाँ गए, उनको हमने प्रशस्ति पत्र दिया, उनका प्रोत्साहन किया और लोगों को एक मैसेज संदेश दिया कि दोना पत्तल, और हमने अपने बैठकों के लिए आदेश जारी कर दिया कि हमारी बैठकों में जो भी कुछ खिलाया जाए या जो भी चाय पानी किया कराया जाए वो कुल्हड़ का चाय होना चाहिए और दोनों दोना पत्तल में दिया जाना चाहिए, और बुंदेली व्यंजन होना चाहिए जिसे फास्ट फूड भी अवॉइड हो, वो जनता की सेवा करने के लिए, और जनता और जिला प्रशासन के बीच बहुत बड़ी खाई है, तो जब तक ये खाई मिटेगी नहीं तब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन या गुड गवर्नेंस नहीं दे पाएंगे। हमने जनता के बीच जाने का सोचा, जनता के बीच गए, हमने उनकी भाषा में बात किया, उनके कल्चरल प्रोग्राम को यूज करके अपनी बात पहुंचाई, उन्हें ये लगने लगा कि हाँ ये अपने गांव के हैं, अपने घर के हैं, और वो खुल के हम लोगों से बात करने लगे, और धीरे धीरे ये खाई ख़त्म हो गई। अब कोई भी आदमी कभी भी हमसे मिलता है उसके मन में जो हिच था वो हमने समाप्त किया, जो संकोच था वो ख़त्म किया, माहौल ये बना, इससे गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस करने में अच्छी मदद मिली। यहाँ पर जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, और यहाँ कुआं तालाब जियाओ की बात करें, तो कुआं तालाब ये जो मिशन था आपका, ये कितने कहाँ तक सफलता प्राप्त किया? ये बहुत अच्छा सफल हुआ। देखिए ऐसा है, पहले ज़माने में कुआं तालाब नदी, इसी से हम लोग पानी पीते थे, खेत की सिंचाई करते थे, यही हमारी लाइफ लाइन थी। धीरे धीरे हम इनसे टूट करके दूर चले गए, और हमारे और कुआं तालाब और नदी के बीच जो मोहब्बत और प्यार था वो ख़त्म हो गया, वो धीरे धीरे वीरान होने लगे। हमने एक अभियान चला करके सबको कुआं तालाब और नदी रटवा दिया, वो जो टूटा हुआ संबंध था वो स्थापित करा दिया है। अब जब एक बार मोहब्बत कुआं तालाब और नदी से हो गया तो उसका ध्यान भी रखेंगे, उसे जिंदा भी रखेंगे और उसे हर तरह से संरक्षित करेंगे। तो मकसद केवल जो ये वाटर बॉडी से आम जनता का टूटन था उसको जोड़ने का था, उसमें काफ़ी अच्छा कामयाबी मिला है।